अस्सलामुअलैकुम, आप सबको हमारी तरफ से जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज हम जो हैं वो इस्लामाबाद के मेलोडी फूड पार्क या फूड स्ट्रीट है, ये नुमान और अफान जो बहुत एक्साइटेड हैं नाश्ते के लिए। जी देखिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जी जी, आपको बहुत भूख लग रही है ना? आप एक्साइटेड हैं? ये जी यहाँ की फूड स्ट्रीट है और ये हम भी। खैर, बच्चों को बड़ा दिल था, मुझे आइडिया नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इस प्लेस में। सो लेट्स सी, एंजॉय द लेवल ऑफ फूड। अस्सलाम वालेकुम, नाश्ता तो हमने कर लिया था अच्छा सा, और अब हम आए हैं। ये एक पार्क है जिसके लिए लिखा हुआ है इन्होंने। और हम लेट्स सी, हम नई नई जगह को एक्सप्लोर करते रहते हैं। जी ये देखिए, ये पार्क है और हम फिर से ये देखिए, ये पार्क है जहाँ बड़ा सुकून वाला एनवायरनमेंट है। क्या नजर आ गया? जू नहीं है ये, कुआं बना हुआ है। बहुत अच्छा पार्क है और इसके बराबर में जो है वो हेरिटेज म्यूजियम है। और बच्चों को जी अच्छा जी नाश्ता भी कर लिया, नाश्ते को हजम भी करना है ना। हलवा पूरी क्वाइट हैवी नाश्ता होता है और उसके बाद उसे डाइजेस्ट भी करना है, क्योंकि अब आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाना, इस कदर जो है वो ऑयली होता है नाश्ता के, बस जी पूरा दिन अब कुछ भी नहीं खाना। ठीक है, हम जो है वो बहुत बड़ा पार्क है, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि हम वापस चल जाएं क्योंकि धूप तेज़ है। और हम तो जस्ट बाय द वे बच्चों को एक तरीके से जी इनका ब्रेकफास्ट डाइजेस्ट करवाने लेकर आए थे, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि आगे ना जाएं क्योंकि काफ़ी बड़ा पार्क अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जिस राइट पे वॉशरूम्स भी हैं वो देखें जी, जगह जगह मैंने आपसे कहा डस्टबिन लगे हुए हैं। किसी भी पार्क में जाएं, किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाएं, मेहरबानी करके उस जगह को गंदा ना करें, ठीक है? क्योंकि आपका मुल्क है, आपका शहर है, साफ़ रखना हम पर ज़िम्मेदारी है। ये तो बड़ा पुरसकून जगह है, ज़रूर आइए। फैमिली के साथ ना भी आ सके, अपने पार्टनर्स के साथ ज़रूर आए। अच्छा जी, यहाँ पे स्नैक्स भी हैं और यहाँ हमने बहुत सारे स्नेल्स भी देखे हैं, हालांकि स्नेल्स तो हमारी नॉर्मल क्यारियों में भी पाए जाते हैं। और इन्होंने बहुत सारी जगहों पर ये पानी पीने का इंतज़ाम किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक साइकिलिंग ट्रैक है पूरा, तो मस्ट विज़िट दिस प्लेस। आई हाईली रिकमेंडेड टू ऑल द पीपल हु विजिटेड टू इस्लामाबाद और द रेजिडेंट्स ऑफ इस्लामाबाद। जी वापस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल बिकम विद अनदर व्लॉग किसी अच्छी जगह का, मे बी वो इस्लामाबाद ना हो, कराची का कोई प्लेस हो, लेकिन जहाँ भी होगा अच्छा ही होगा, बच्चों के साथ होगा। ठीक है।